आपका भी एडमिशन इस बार कॉलेज में नहीं हो पाया है? नेहा दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एडमिशन के साथ साथ यहाँ पर राउंड होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन अभी भी नहीं हो पाया है। मेरे वीडियो में भी बहुत से कमेंट आते हैं और स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर अभी भी कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है, क्या अभी भी हम एडमिशन ले सकते हैं? तो घबराइए मत दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस यूनिवर्सिटी ने फिर से एक बार अपना पोर्टल खोल दिया है और एडमिशन चालू है, और साथ ही साथ उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि क्या अभी जो एडमिशन होंगे उसमें भी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, क्या मेरिट बेस पर होगा एडमिशन। तो ये सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के लेटेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में एडमिशन के 6 से 7 राउंड होने के बाद भी बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली रह जाने की वजह से उच्च शिक्षा विभाग ने एडमिशन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहर के कॉलेजों में भी बीए, बीकॉम और बीएससी की बहुत सारी सीटें अभी भी खाली है। इसीलिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार की अनुमति से एडमिशन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, और आदेश मिलते ही शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन पोर्टल खोल दिया है। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार अजय त्रिपाठी ने बताया है कि स्टूडेंट जो है ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के तुरंत ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के तुरंत बाद ही एडमिशन दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्या मेरिट लिस्ट भी निकलेगी इस बार। तो मेरिट लिस्ट के बारे में ऐसा है कि अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे अगर आवेदन आ जाते हैं तभी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, अन्यथा नहीं निकाली जाएगी। तो एडमिशन जो है पोर्टल अभी अगले 10 दिनों के लिए पोर्टल में एडमिशन के लिए तारीख को बढ़ा दिया है, तो 25 अक्टूबर तक अब आप एडमिशन ले सकते हैं शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में। और बाकी यूनिवर्सिटी के अभी यहाँ पर अपडेट नहीं आए हैं, हो सकता है कि वहां पर भी बढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो ये था दोस्तों एडमिशन पोर्टल को फिर से खोले जाने से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट खबरें लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।